ओल्ड ट्री है ये, बनियान ट्री है और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चेक, सो उसके लिए एक अलग गाड़ी की व्यवस्था करेंगे आने वाले टाइम में। देख सकते हो पीछे भी कितनी धूल ही धूल दिखाई दे रही है यहाँ पे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और आज किस ब्लॉग के स्टार्ट घर से हो रही है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। जरा संडे का डे है, आज है संडे और आज हम निकल रहे हैं अपने फार्म के लिए। बेसिकली नानी के यहाँ पर जा रहे हैं, तो फिलहाल मैंने सारा सामान जो है गाड़ी में लोड कर लिया है और यहाँ अपनी जीटी खड़ी है, कवर्ड कर दी है क्योंकि काफ़ी डस्ट आ जाती है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं गाड़ी से, ये है वाटर बॉटल। तो फटाफट से सामान डालते हैं पहले गाड़ी में और यहाँ से निकलते हैं। और आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस ब्लॉग में पता चलने वाली हैं। मम्मी की छुट्टी है, संडे है, तो हम लोग दोनों जा रहे हैं फार्म पे जहाँ पर हम लास्ट टाइम भी गए थे, यानी कि नानी वाले फार्म पर हम लोग जा रहे हैं। ये हमारा कोको जो है यहाँ पर बेचैन घूम रहा है क्योंकि इसको अकेले रहना पड़ेगा ना अब यहाँ पर, और हम लोग आएंगे शाम में। तो जब तक कोको और जिम्मी जो है इसकी मम्मी, तो वो दोनों साथ पे रहने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। सोलेट का इस गाड़ी में हम लोग आ चुके हैं, उसको वार्म अप पे लगाया था मैंने, इतने मेरे सामान वामान सारा पीछे बगाड़ी में डाल दिया। सामान क्या है, बेसिकली खाने पीने का सामान है क्योंकि पूरे दिन के लिए आज फार्म पे रहने वाले हैं, तो भाई खाने पीने का सामान होना बहुत ज़रूरी है। मम्मी की वेट चल रही है, आते हैं और फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और हाईवे पर आज जो है गाड़ी को दौड़ाते हैं। आज जीटी नहीं, आज हमारी स्विफ्ट चलेगी। ये गाड़ी रेडी है, बिल्कुल वार्म अप भी हो चुकी है, तो फिलहाल यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। ये भी हम लोग निकल चुके हैं और अभी मेन रोड पर पहुँच चुके हैं अपने शहर वाली, और यहाँ से अभी हम लोग जो है हाईवे को पकड़ने वाले हैं। फटाफट से रैप करके निकलते हैं। मम्मी पूरी साइलेंट मोड पर बैठी हुई हैं क्योंकि काम वाम करके आ रही हैं। सो मम्मी ने खाना वाना पूरा रेडी किया है, लंच वंच मस्त करके वहीं खेतों में करने वाले हैं। फिलहाल जरा ये ट्रैफिक क्लियर करते हैं शहर का और हाईवे। हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है और हाईवे पर अभी हम लोग आ चुके हैं। ये हवाई पे हमारा जा रहा है भाई रुद्रपुर और हरिद्वार और देहरादून वाला जो हाईवे है, ये अभी इस पर हम आ चुके हैं और यही हाईवे हमें ले जाएगा सीधा यहाँ से 50 किलोमीटर जहाँ पर हमारे नानी का फार्म है और नानी का जो शहर है। तो अब यहाँ से स्पीड बढ़िया मेंटेन हो जाती है क्योंकि 4 लेन है, आराम से अपना यार टॉप गियर में डालो और खटाखट खींचते रहो। फिलहाल थोड़ा सा ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है हाईवे पर, ये भी बस यहीं तक ही रहेगा, आगे जाके क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक सिटी पड़ता है जसपुर, तो यहाँ तक थोड़ा सा रश रहता है। टोल भी है तो टोल के आसपास जो है भीड़ काफ़ी रहती है, तो अभी बस यहाँ से हम इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ताबड़तोड़ चला सकते हैं। और इस हाईवे पे मैंने 160 भी ट्राई किया हुआ है, भैया देख ले कहाँ पर चला के लेके आ रहा है। हॉर्न भी दे रहा हूँ लगातार लेकिन साइड का पता ही नहीं देते बिल्कुल भी लोग। तो अभी ज़रा हम इसको खींचने का टाइम आ चुका है हाईवे पर, और यहाँ देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल ट्री दिखाई दे रहा है, बिल्कुल रेड फायर रेड हो रहा है, बिल्कुल मौसम चेंज हो रहा है, मार्च का महीना आ चुका है। इधर भी हमारे गेहूं आ चुके हैं, गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार होने वाली है और अब हम भी ज़रा इसमें टॉप गियर हमने लगा दिया है, 100 की स्पीड हमने पकड़ ली है और हाईवे देखो आप इस पे आता है मज़ा बिल्कुल दौड़ाने में। और अभी हमने लास्ट जब आए थे व्लॉग तो शूट नहीं किया था लेकिन एक थार वाले के साथ रेस करी थी हमने और स्विफ्ट को 160 पर लेके गया था भाई, मैं 160 पर आराम से जा रही थी मज़े के साथ में। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने शहर शेरकोट में और इधर आप देख सकते हो यहाँ मेरे राइट साइड में बैराज और आज हम जा रहे हैं शहर में अंदर, ये बैराज है, दूसरे वाले खेत पर जा रहे हैं बैराज वाले पे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी हमारी एंट्री हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमें 35 मिनट्स लगे हैं अभी यहाँ तक पहुँचने में। तो फिलहाल अभी हम दूसरे वाले खेत पर पहुँच रहे हैं, तो आप पीछे चेक कर सकते हो कि यहाँ से भी बैराज बड़ा खूबसूरत सा दिखाई देता है। तो ये है शहर कुछ, अभी यहाँ से एंट्रेंस हो रही है और पूरा शहर क्रॉस करके हम पहुँचने वाले हैं अपने दूसरे खेतों पर। ओ भाई यहाँ पर क्या काम हो रहा है, निकलने दे ओहो, ईंटे लगा रखे हैं गाड़ी के नीचे, पूरे ईंटों पर चढ़ गई है गाड़ी। सो राइट गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं मेन रूट से, हम डाइवर्ट हो चुके हैं खेतों वाले रूट पर और यहाँ आप चेक कर सकते हो मेरे लेफ्ट साइड पर, नहीं मेरे राइट साइड पर आप बाग देख सकते हो। और बाग ये बहुत ही पुराना है, हमारी मम्मी के जन्म का बाग है ये और इस पर मॉल आने लगा, देख रहे हो
फूल आने लगा है, इसको बोलते हैं अब आम आएगा फिर थोड़े टाइम बाद में। और ये रोड जा रही है अभी हमारे खेतों पर और इसको फॉलो करना है। और आगे अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको बरगद का पेड़ दिखाने वाले हैं इस लोकेशन पर। और यहाँ आप सामने देख सकते हो इधर जो रोड जा रही है ये भी हमारे खेतों को जा रही है, ये भी जाती है, और यहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और काफ़ी ओल्ड ट्री है, ये बनियान ट्री है और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चेक कर सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ये। सो इस वाले खेत पर आज हम लोग आए हैं। तो मम्मी कितना पुराना है ये पेड़? ये 200 साल पुराना है और इसके नीचे जो है वो फसलों का वो होता था, खलियान बनता था यहाँ। और हमारे ग्रैंडफादर यहाँ पर 15 दिन या एक महीना तक रात दिन रात रहते थे। अच्छा, तो हम आते जाते रहते थे, उनकी समाधि हमने यहीं बनवाई है। वो आप चेक कर सकते हो सामने व्हाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है ना उधर उस पेड़ के पीछे, तो वो ग्रैंडफादर की हमारी समाधि है। और यहाँ पर एक ट्यूबवेल है, एक नल भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर रुकते थे रात में सभी लोग, क्योंकि इधर हमारे खेत लगते हैं, यहाँ से नीचे काफ़ी बड़ा एरिया लगता है, तो रात को आकर यहाँ पर स्टे करते थे सब लोग। और उस टाइम की बात अलग थी भाई, ये काफ़ी पुरानी टाइम की बात है, जब मम्मी कभी छोटी हुआ करती थी, तो तब की बात मैं बता रहा हूँ। फिलहाल यहाँ से कुछ ऑफ रोड वाला सीन स्टार्ट हो चुका है और नीचे जाके हमारे खेत पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर बारिश वगैरह हो जाती है ना तो फिर गाड़ी लाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल कच्चा रास्ता है यहाँ पर। सो उसके लिए एक अलग गाड़ी की व्यवस्था करेंगे आने वाले टाइम में। देख सकते हो पीछे भी कितनी धूल ही धूल दिखाई दे रही है यहाँ से। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से नीचे पहुँच रहे हैं और खेतों में पहुँच कर आप लोगों को चेक कराते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं अपने खेत पर और काफ़ी देर हो चुकी है, यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहे थे। तो अभी आप पीछे देख सकते हो यहाँ पर लगे हुए हैं काफ़ी सारे पेड़ जिनको अभी हम चेक करने के लिए आए थे। इनमें मिट्टी लगे जानी थी, इनकी जड़ों में मिट्टी जानी थी, पानी वानी यहाँ पर लग चुका है, होली के टाइम पर यहाँ पानी लग गया था। तो फिलहाल बस हम इसी को देखने आए थे। पीछे देख सकते हो आप मम्मी हैं और इस वाले खेत पे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ आप चेक करो इधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो ऑलमोस्ट सही टाइम पर हम मॉर्निंग में पहुँच गए थे, मैं भी थोड़ा सा काम करने में बिज़ी हो गया था। यहाँ का जो खेत है वो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को किस तरीके का है। और यहाँ का मौसम आज काफ़ी ज़्यादा गर्म सा हो रहा है, लग रहा है भैया गर्मियाँ आ चुकी हैं, काफ़ी पसीना आने लगा थोड़ा सा काम करने पे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड लोकेशन पर और आप लोगों को भी चेक कराते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही औसम है, क्या ज़बरदस्त नज़ारे रहते हैं यहाँ पर। देखो वहाँ है सामने बैराज, और जो हम पहले वाली व्लॉग में आप लोगों ने अगर चेकआउट किया होगा हम रिवर के दूसरी वाली साइड पर थे। अभी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ रिवर साइड लोकेशन पर। और यहाँ पर रिवर, कई बार तो हम लोग यहाँ से रिवर क्रॉस करके ही दूसरी वाली तरफ चले जाते हैं, बट फिलहाल मैंने शूज़ वगैरह पहने हुए हैं। बचपन में जब आते थे तो यहाँ से रिवर क्रॉस कर लेते थे जब पानी कम होता था, तो और बैलगाड़ी वगैरह से आते थे नाना के साथ में, तो काफ़ी फ़न टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया है। और आप चेक कर सकते हो इस वाली साइड में देखो पानी आ रहा है, चेक करो इधर की तरफ पानी आ रहा है, उस साइड पर थोड़ा सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि ये जो है ना गेट से कंट्रोल होता है सारा पानी यहाँ पर। तो पानी वहाँ पर गेट्स डाउन कर रखे हैं तो पानी कम हो गया, गेट्स उठा देते हैं तो यहाँ यहाँ तक जहाँ भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सब में पानी आता है, तो ऐसा कुछ व्यू आता है यहाँ पर। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी है लोकेशन, और व्लॉग को पूरा देखा करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो। अब व्लॉग्स आने वाले हैं, काफ़ी सारे व्लॉग्स आएंगे और अब मैं काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ अपनी जीटी के साथ में राइड होने वाली है, दो तीन राइड प्लान करी है, आज भी मैंने एक व्लॉग ड्रॉप किया है। ज़रूर कमेंट करना कैसा है, पीओवी राइड व्लॉग मैंने डाला है उसमें, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फिलहाल हम वापस चलते हैं अपने खेत पर और थोड़े टाइम बाद बस यहाँ से निकलना है। तो यहाँ मम्मी लगी हुई हैं पेड़ों का ठुकाई करने में, कुछ इस तरीके से मम्मी इसकी ठुकाई उगाई कर रही हैं। तो कैसा लग रहा है मम्मी ये काम करके आपको? मज़ा आ रहा है मुझे, तो एक्सरसाइज हो रही है और काम भी हो रहा है। हाँ, तो इस तरीके से करके यहाँ पर ठुकाई, और आप देख सकते हो ज़मीन जो है गीली है और इसमें अभी अभी हमने पानी लगाया था, होली पे पानी लगा था। इस तरीके से इसको ठोकने पर पेड़ जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगा और सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं। और कुछ दिन बाद ये पेड़ बस हरे हो जाएंगे। अब देखते हैं कब होंगे, जब होंगे तो उसका भी ब्लॉग आप लोगों को दिखा देंगे कितने टाइम बाद ये पेड़ हरे होने वाले हैं।